हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की ये वीडियो सभी CBSE स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि अपने रिजल्ट का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो फाइनली गाइस, आपके रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। हो सकता है आपका जो रिजल्ट है वो आज डिक्लेयर हो जाए, हो सकता है आपका रिजल्ट कल डिक्लेयर हो जाए, बट एक या दो दिन के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना श्योर है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ चुके हैं कि CBSE को अपना रिजल्ट जो है वो 30 जुलाई से पहले पहले डिक्लेयर करना है। नाउ CBSE की जो वेबसाइट है वो टाइम बाय टाइम अपडेट हो रही है, जिससे हमें ये पता चलता है कि CBSE अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रही है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल ने एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था अबाउट द रिजल्ट ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th CBSE स्टूडेंट्स। तो उन्होंने कहा था कि रिजल्ट जल्द ही आउट होगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, डोंट वरी। ICSE बोर्ड, जो कि CBSE बोर्ड से थोड़ा डिफिकल्ट बोर्ड समझा जाता है, उसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। बच्चों का टॉपर्स को उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। जो सोच रहे थे मैं पास होगा या नहीं होगा, उनको भी बहुत अच्छा स्कोर मिला है। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। देखो, जब रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं वेबसाइट क्रैश होने लग जाती है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। तो एक ऑल्टरनेटिव वेबसाइट है sarkarijob.co, इसको आप एंटर करेंगे, आप अपना रिजल्ट ईजिली देख पाओगे। रश ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है। तो प्लीज़ ध्यान से काम डाउन होकर आराम से अपने रिजल्ट को देखिएगा, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। ओके, वेबसाइट जो है वो क्रैश होती है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, कोई इशू नहीं है, आप दूसरी वेबसाइट भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसी के साथ साथ यहाँ स्क्रीन पर आप काफ़ी वीडियोज़ की लिंक देख रहे हैं, आप इन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। Have a good day. Bye-bye.